तो भोपाल के खिलाड़ी और खेल प्रेमियों के लिए आज खास दिन था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में 28 खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ओलंपिक पदक विजेता को प्रदेश में DSP बनाएंगे। साथ ही यूथ खेलों में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। मित्रों, ऐसे राज्य में आ जाने का अवसर मिला है जहां पर पिछले, मैं कह सकता हूं, 2 दशकों में एक बहुत बड़ा बदलाव खेलों के क्षेत्र में आया है। मैं कह सकता हूं बाकी क्षेत्रों में शिवराज जी आपने जो किया सो किया, खेलों में जो आपने किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो मुझे पूछा गया कि मध्य प्रदेश को ही आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्यों दी। मैंने यहां आने से पहले मैंने पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का नहीं देखा था, लेकिन जितना मैंने सुना था उससे ज्यादा अच्छा मध्य प्रदेश ने खेलों के क्षेत्र में करके दिया। शिवराज जी, मैंने सारे जितने खेल के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक स्टेडियम से दूसरे खेल के मैदान से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, और मैं कह सकता हूं कि शूटिंग रेंज जो यहां पे 50 मीटर 25 मीटर 10 मीटर की जो एकेडमी बनी, जो कैंपस बना है, वो केवल राज्य का ही नहीं देश का सबसे खूबसूरत शूटिंग रेंज यहां पर बने हैं। हमारे जो बच्चे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हमने तय किया है 10 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और 50 खिलाड़ियों को हम आरक्षक के पद पर भी नियुक्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ये भी तय कर रहे हैं कि हम जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में पदक लेके आएंगे उनको DSP और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त करेंगे। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हुई। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में होगा। एक गेम साइकिलिंग दिल्ली में खेला जाएगा। वहीं पहली बार वाटर स्पोर्ट्स जैसे कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो स्लैलम और रोइंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संस्करण का हिस्सा होगा।